प्रभात बच्चों, मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर, SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 8, गीत खुशी के। यहाँ पर एक बच्चा किस बात से खुश है? मंगल ग्रह पर जाने को लेकर। और वह कहता है अपनी माँ से कि माँ, देखो मैं मंगल ग्रह पर जाऊँगा और वहाँ पर खुशी के गीत गाऊँगा। तो कविता पढ़ने से पहले देखिए इसका परिचय। बच्चों, आज विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि मानव सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर पहुंच चुका है तथा कुछ पर पहुंचने की तैयारी पर है। एक बालक भी मंगल ग्रह पर जाने के लिए सोच रहा है। आइए जानें वहां जाकर क्या क्या करना चाहता है। तो देखिए काव्यांश को ध्यान से पढ़िए। माँ, नब देखो बुला रहा, मैं मंगल ग्रह को जाऊँगा। शटल यान से उतर, वहाँ पर गीत खुशी के गाऊँगा। इस कविता के कवि हैं चक्रधर नालिन जी। वे एक बच्चे के माध्यम से कहते हैं, बच्चा कहता है माँ देखो मुझे मेरा नब यानी आकाश बुला रहा है। वैसे आकाश नहीं बुलाता है, लेकिन जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वह कार्य हमें बुला रहा है। उसी प्रकार बच्चा मंगल ग्रह पर जाना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि माँ देखो आकाश मुझे बुला रहा है। और वह कहता है कि मैं मंगल ग्रह पर जाऊँगा। शटल यान से उतर, वहाँ पर गीत खुशी के गाऊँगा। और स्पेस में जाने के लिए जिस यान का प्रयोग किया जाता है, उस यान से उतर कर मैं वहाँ पर खुशी के गीत गाऊँगा। खुशी के गीत गाने का अभिप्राय है बहुत खुश हो जाऊँगा। शुष्क और वीरान भूमि पर उज्जवल हिमन पानी है, वहाँ न वर्षा नदियाँ झरने, मिट्टी रेगिस्तानी है। शुष्क होता है सूखा, वीरान होता है निर्जन सुनसान। बच्चा कहता है माँ वहाँ की जो भूमि है वह सूखी है, वहाँ वीराना है, वहाँ कोई नहीं रहता है, निर्जन स्थान है। उज्जवल हिमन पानी है, उज्जवल होता है सफ़ेद प्रकाशमय। तो जिस प्रकार जो बर्फ़ होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, बिल्कुल उजली साफ। तो वह कहता है माँ वहाँ पर ना तो उजली हिम है, ना तो उजली बर्फ है और ना ही पानी है। वहाँ न वर्षा होती है, ना नदियाँ बहती हैं, ना झरने गिरते हैं, और वहाँ की जो मिट्टी है वो भी कैसी है? रेगिस्तानी है। रेगिस्तानी मिट्टी कैसी होती है? भुरभुरी। ठीक है। दिन के घंटे हैं 24, वहाँ न जल की धाराएँ है, लुभावनी धरती उसकी, नव जीवन की आशाएं। कहता है माँ वहाँ पर भी जो घंटे दिन के होते हैं, यानी वहाँ पर भी जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। वहाँ न जल की धाराएं हैं, यानी वहाँ पर पानी की धाराएं नहीं बहती हैं, वहाँ पर पानी विद्यमान नहीं है। है लुभावनी धरती उसकी, लेकिन मुझे फिर भी उसकी धरती लुभावनी लगती है। देखिए, कोई भी चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं वह हमारे लिए लुभावनी हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। तो बच्चा भी वहाँ पर जाना चाहता है, इसलिए कहता है कि वहाँ की धरती बहुत लुभावनी है। लुभावनी का अभिप्राय क्या होता है? अच्छी लगने वाली, मन को ललचाने वाली, मन को भाने वाली। नवजीवन की आशाएं, और नवजीवन की आशाएं यानी वहाँ पर नए जीवन की आशाएं स्थापित करने में जा रहा हूँ। वहाँ पर नया नया जीवन स्थापित होगा, वहाँ पर नया जीवन होगा, ऐसी उसकी आशा है। वहाँ पहुंचकर सुंदर सा घर अपना एक बनाऊंगा, धीरे धीरे पृथ्वीवासी उस ग्रह को आए जाएंगे। कहता है कि मैं वहाँ पर एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और धीरे धीरे जो पृथ्वी के लोग हैं वे भी वहाँ पर उस ग्रह पर आने जाने लगेंगे। छिपे रहस्य सौरमंडल के नई खोज कर पाएंगे, हरे भरे हंसते फूलों के पौधे वहाँ लगाएंगे। बच्चा कहता है कि जो सौरमंडल में रहस्य छिपे हुए हैं, जो वहाँ के रहस्य यानी कि जिसे हम राज, सीक्रेट जिसे आप इंग्लिश में बोल देते हैं, उन रहस्यों को हम खोज कर नया उसकी खोज करेंगे, उन्हें ढूंढ निकालेंगे, सारे रहस्यों को दूर कर देंगे। हरे भरे हंसते फूलों के यानी जो रहस्य क्या है, मंगल ग्रह पर अभी तक कोई नहीं गया है तो लोगों को नहीं पता कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो बच्चा कहता है कि मैं यह काम करूँगा, मैं वहाँ पर छिपे हुए सारे रहस्यों को खोजकर बाहर निकालूँगा और वहाँ पर हरे भरे हंसते हुए नए नए सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाऊँगा। ठीक है।
हम पड़ोसियों के मुख से मंगल रिटर्न कहलवाएंगे, लोक लोक में जा जा कर हम अपना ध्वज फहराएंगे। हम पड़ोसियों के मुख से, पड़ोसियों के मुख से अभिप्राय है पड़ोसी देशों के मुख से, हम पड़ोसी देशों के मुख से ये कहलवाएंगे कि हम मंगल रिटर्न हैं, यानी हम मंगल पर जाकर वापस आए हैं। लोक लोक में जा जा कर हम अपना ध्वज फहराएंगे, और ऐसी इस प्रकार से अनेक ग्रहों पर भी जा जा कर, अनेक लोक मतलब दुनिया, जैसे मंगल ग्रह की दुनिया, इसके अलावा दूसरे ग्रहों की दुनिया, इस प्रकार अलग अलग दुनिया पर जा जा कर हम अपना ध्वज फहराएंगे। यानी वहाँ पर भारत ने सबसे पहले अपना, भारतीय ने सबसे पहले अपना कदम रखा है, तो इस प्रकार से वहाँ भारत का नाम ऊँचा करेंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। ये कविता थी चक्रधर नलिंद द्वारा रचित। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मंगल ग्रह पर जाने के लिए बच्चे के गीत खुशी के। ओके, बाय बाय।